जाहिद परेशान मत हो, शबरत्ना आप गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो जाहिद भाई, मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि काफी देर हो गई है, बारात अभी तक नहीं आई। मैं देखता हूं, आ रहे हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। देखिए आ जा मिया, मैं ले आई हूं, दूल्हा ले आई हूं। विकी, अस्सलाम वालेकुम। आप ले जाओ, है इनको ले जाओ जरा। हाँ, बाहर बैठाओ मौलवी साहब के पास। ए दूल्हा मियां को ले जाओ, जाओ जाओ है इनके साथ, जाओ जाओ। शाबाश शाबाश, चलो चलो, शाबाश शाबाश, बैठाओ बैठाओ। अरे ये विकी, तो विकी को क्या है, ये ऐसे लंबा चौड़ा कड़ियल जवान है, हाथ पैर सलामत है, अपनी खुद की दुकान है। बिल्कुल नहीं खाला, एक नंबर का घटिया इंसान है वो। ये? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये ज्यादातर मर्द जो है तकरीबन घटिया ही होते। देखो मुझे उसकी हरकतों के बारे में मालूम है, वो ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मर्द तो होते ही ऐसे है। मर्द उस विकी का तो आलिया के साथ। खबरदार मेरी बच्ची के साथ उसका नाम मत लेना। तो सानिया अभी अकेला है, औरत का साथ नहीं है, शादीशुदा हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सोच उस बारे में। नहीं खाला, बिल्कुल नहीं। उस घटिया इंसान ने मेरी बहन के बारे में सोचा भी कैसे, टांगे तोड़ो। टांगे क्या तोड़ोगी तुम उसकी, ये तमाशा लगाने की जरूरत नहीं और ऐसे तिल मिलाने की जरूरत भी नहीं है। देखो सानिया, ये बात मैं तुमसे करना नहीं चाह रही थी, बात जरा कड़वी है लेकिन ये बात सुने बगैर तुम संभलोगे भी नहीं। इंसान को दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि अपने पल्ले क्या धरा है। हे? विकी को तो बदनाम कह रहे हो, तो बदनाम तो तुम्हारी बहन नायला भी है। कोई नहीं अपनाएगा, आज जो कुछ हो गया है इसके बाद कोई नहीं अपनाएगा उसको, भले उसको चाहे इसमें घर दे दो। तो बात का यकीन नहीं है ना, तो बात जाके किसी से भी पूछ लो, अपने कारीगरों से ही पूछ लो। देखो साहिब, आंखों देखी मक्खी निकलना बड़ी मुश्किल बात है। नहीं खराब, दिल नहीं मान रहे। ठीक है, फिर ऐसे करो, कुछ सारी जिंदगी के लिए घर में बैठा के रखो बहन को, सर का ताज बना लो, कंधों पे बैठा। बाप से किया हुआ वादा वो भूल जा तो, और कुछ समझ में नहीं आता ना तो वो जो उसका आशिक है शकुर, उससे ब्याह दो उसको। देखो साहिद मियां, मैं जो कह रही हूँ ना तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सारे लोग बैठे, रुखसत कर दो उसको, सोचो।